जितने भी स्टूडेंट बिहार बिल्ट्रॉन के डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए फ्रेशर कैंडिडेट होंगे उनके लिए आपको मैं बता दूं कि इसमें से मैंने 5 सवाल ऐसे कंसीडर किए हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको देखना। और ये 5 सवाल आपके लिए, पहला होगा कि सिलेक्शन प्रोसेस, जो नए कैंडिडेट हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जानना है कि सिलेक्शन कैसे उनका होगा। दूसरा ये होगा कि मेरिट कैसे बनने वाला है, कि वाकई में जब तक वो ये चीज़ को समझेंगे नहीं तब तक वो अपना जो प्रिपरेशन है वो सही वे में नहीं कर पाएंगे। तीसरा है कि हिंदी और इंग्लिश, क्या ये दोनों कंपलसरी है या फिर दोनों में से किसी एक का अगर मतलब सही है तो क्या वो आगे सर्वाइव कर पाएंगे। या फिर चौथा है कि जितने भी स्टूडेंट का क्वालिफिकेशन, हायर क्वालिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं, क्या बीटेक वाले इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, एमटेक वाले कर सकते हैं, बीसीए वाले कर सकते हैं, बीएससीआईटी, एमसीए, इस तरह के लोग भी मतलब कि लोग पूछ रहे हैं कि क्या हम एलिजिबल हो पाएंगे, तो उनके लिए भी इस वीडियो में हम आपका जवाब देने वाले हैं। लास्ट जो क्वेश्चन है कि कब तक एग्जाम होगा, फॉर्म अप्लाई कर देंगे उसके बाद में कब तक हमारा एग्जाम होने वाला है। तो ये 5 सवाल, और उसके अलावा आज के इस वीडियो में कंप्लीट हम बता देंगे कि आपके टाइपिंग से रिलेटेड या फिर जितने भी फ्रेशर कैंडिडेट हैं वो मॉक टेस्ट कभी दिए होंगे, कहीं पे भी एग्जाम दिए होंगे तो ठीक है, नहीं दिए होंगे तो ऑलरेडी मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में कि किस प्लेटफॉर्म पे जाना है, और आपको टाइपिंग से रिलेटेड या फिर आप मॉक टेस्ट जो सीबीटी होता है उसको आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो आप झिझक हो जाता है कि हम फर्स्ट बार एग्जाम देने जा रहे हैं तो मेरे पास में कोई अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, कैसे वो इन्वायरमेंट बिल्ड होगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में इन सभी टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। इस सेशन को शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह के आपको बोनस एकदम मिलते रहेगा और काफ़ी कंटेंट, वैल्यूएबल कंटेंट का आपको पैकेज मिलते रहेगा बैक टू बैक। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा और कमेंट करिएगा अगर इनमें से किसी एक कोई अगर आपका सवाल हो तो उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि टाइपिंग जो करना है, ठीक है, या फिर जितने भी लोग सीबीटी देने वाले हैं तो जो एक्सपीरियंस मतलब कहने का मतलब का स्टूडेंट हैं जो अलग किसी भी कंपिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उनके लिए एग्ज़ाम ये देना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि उनके पास में एक सालों का अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो कहीं हमसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम तो कह दिए हैं कि आपको हम क्लास देने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा हमारे पास में एक इशू आ रहा है डिजिटल बोर्ड का, वो अभी बजट नहीं है कि हम लोग डिजिटल बोर्ड परचेज कर पाएँ। जो लोग सहयोग करना चाहते हो, सपोर्ट करना चाहते हो, तो उनके लिए बिल्कुल कंटेंट हम फ्री देने वाले हैं, कहीं से कोई पेड वगैरह नहीं रहेगा, हमारा क्लास बिल्कुल फ्री चलने वाला है। तो चाहते को अपने क्लास को एक स्टेप, एक लेवल हम और ऊंचा करें तो आप लोग सहयोग करिए ताकि हम वो डिजिटल बोर्ड परचेज कर पाएँ। और ये छोटा सा कंट्रीब्यूशन आप लोग के लिए भी होगा, जो प्रीमियम कंटेंट हम देंगे जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आप परचेज करोगे उसको हम अब पब्लिकली फ्री हम कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम अपने चैनल्स की मदद से काफ़ी लोगों को हम फ्री में बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, तो आपका छोटा सा अगर कंट्रीब्यूशन होगा तो एक डिजिटल बोर्ड की हेल्प से हम चीज़ों को और अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे आप लोगों के साथ में, जो हम अभी फिलहाल नहीं कर पा रहे हैं। अभी सिर्फ एक ग्राफिक टैबलेट और अपने पीसी की मदद से वो सारी चीज़ें आपको देते हैं। अगर वो चीज़ें अगर आ जाती हैं हम लोगों के पास में तो जितने भी प्रीमियम कोर्सेस हैं वो सबको हम फ्री में करने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोग चाहते हो कि वो सारी चीज़ें हो तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा पेमेंट मेथड का, आप लोग वहाँ पर जा करके जितना हो सके डोनेट करिए ताकि आपको आपके लिए बेहतर हो सके। वो हमारे काम की तो है नहीं, सब आपके लिए ही है, तो आप चाहेंगे तो वो सब पॉसिबल हो पाएगा। किसी भी एग्जाम सेंटर, चाहे TCS में हो या फिर कहीं भी हो, मैक्सिमम 99.9% ये चांसेस है कि आपका एग्जाम TCS कंडक्ट करवाने वाली है 2024 में। तो TCS में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी वहाँ पे एग्जाम दे चुके हैं, उसका एनवायरनमेंट जो है वो उनको पता होगा। ठीक है, तो नए कैंडिडेट जो हैं वो कैसे उस एनवायरनमेंट को एग्ज़ाम देने से पहले वो फेस करेंगे अपने पास में, ताकि उनको भी एक अच्छा एक्सपीरियंस हो पाए।
ठीक है, वो कंफर्टेबल महसूस कर सकें। तो सबसे पहले वो देख लीजिए कि किस प्लेटफॉर्म पे जा करके आपको अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना है, उसके बाद हम इन सभी सवाल के ऊपर आपका आंसर करने का काम करते हैं। सो हैव ए लुक। चलिए आज हम आप लोग को बताते हैं कि जिस तरीके से TCS एग्ज़ाम आप लोग का लेगा, तो उस तरीके से इंटरफेस आपके पास में एग्ज़ाम के डेट में ही आपको मिलने वाला है। लेकिन जो लोग फ्रेशर कैंडिडेट हैं उनके लिए काफ़ी ये वीडियो अच्छा होगा और ये ट्यूटोरियल भी ठीक होगा। जो लोग एक्सपीरियंस हैं उनको तो पता होगा कि किस तरीके से एग्ज़ाम देते हैं। तो आपको अपने सिस्टम लैपटॉप किसी में भी आपको यहाँ पे CPCT पे आपको आना है। आप जैसे ही सर्च करोगे तो यहाँ पे आपका उसका होम पेज आएगा। जैसे ही होम पे क्लिक करोगे तो उसका एक इंटरफेस आएगा। CPCT क्या है कि यहाँ पे फ्री में आपको सारी चीज़ें जो TCS के थ्रू वो आपको मॉक टेस्ट हो गया, ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट हो गया, जो इंटरफेस TCS लेता है वो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप जैसे ही आओगे तो यहाँ पे इंटरफेस आपको हूबहू एग्जामिनेशंस में ऐसा देखने वाला आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे डिपेंड ये करता है कि आप कितना फ्री हो पाते हो अपने एग्जामिनेशंस के लिए, माइंडसेट कर पाते हो, ठीक है। क्योंकि आप फोकस नहीं करोगे तो बेहतर से बेहतर एग्ज़ाम आपका मतलब गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। बहुत अच्छा आप काबिल हो लेकिन आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाते हो तो आपकी सारी काबिलियत ख़त्म हो जाती है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आप जितने भी सेंटर में आप जहाँ जहाँ क्लास करते हो उनको बोलिए कि आपको पर डे इस पे आना है और थोड़ा सा हैंड्स ऑन करना है, मतलब कि प्रैक्टिकल इस पे करना है। तो ये जो इंटरफेस दिख रहा है सेम आपको वहाँ इसी तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका रोल नंबर और यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए कहा जाएगा, जो लॉगिन होना आपको लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे ही आप लॉगिन करके आप आगे बढ़ोगे तो आपके पास में एक और इंटरफेस यहाँ पे ओपन होगा, जो आपको यहाँ पे सेम वहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि किस तरीके से आप टाइपिंग देने वाले हो, हिंदी में दोगे, इंग्लिश में दोगे, या फिर इंस्ट्रक्शन जो होगा वो आप यहाँ पे आपके एग्जामिनेशंस के अकॉर्डिंग आपको जितने भी रहेंगे, ये डेमो है तो डेमो के तौर पर ही इसको लेना है, ठीक है। यहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शन होगा वो उस एग्ज़ाम के तहत होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि इसमें जो दिया गया वही होगा। तो इस तरीके से आप वहाँ पे देख सकते हो, लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, क्या उसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है, सारी चीज़ों को पढ़ना होगा केयरफुली। उसके बाद में नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट नोटिस आएगा आपके लिए, ठीक है, जो कहा जाएगा कि आप अपना नोटिस जो है वो देख लीजिए, समझ लीजिए क्या टर्म एंड कंडीशन है। यहाँ पे टिक आउट करना होगा और आई एम रेडी टू बिगिन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने जो फाइनल इंटरफेस है वो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो पहले जिस दिन आपका CBT है सेम CBT यहाँ पे देखिए आपके सामने एकदम हूबहू यही इंटरफेस वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए कि राइट साइड में टाइमिंग चलते रहेगा, यहाँ पे आपके कैंडिडेट का फ़ोटो और यहाँ पे आपका नाम, आपने किस आंसर को किस तरीके से परफॉर्म किया है, वो सारी चीज़ें, आंसर किया है नहीं किया है, मार्क कर दिया है नेक्स्ट रिव्यू के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखेगा। जो भी करेंट टाइमलाइन है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। अब देखिए कि यहाँ पे अलग अलग सेक्शन बना हुआ है, यहाँ पे देखिए तो आपको क्या करना है, कंप्यूटर जो इफिशियंसी टेस्ट है वो यहाँ पे आ जाना है और इसमें आपको सेम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे, उसका लैंग्वेज आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, हिंदी या इंग्लिश आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी ऑप्शंस आपको सिलेक्ट करना होगा, इस क्वेश्चन का आंसर जो लगेगा कि मुझे इस पे आना चाहिए, सिलेक्ट करके उस पे और सेव है नेक्स्ट करोगे। यहाँ पे दो ऑप्शन नीचे और दिए गए हैं, मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट करने के लिए कि इस क्वेश्चन का आंसर हम बाद में देंगे, इसको थोड़ा सा हम बाद में मार्क कर देते हैं, बाद में इसका आंसर देंगे, अभी कन्फ्यूज्ड हैं, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट करोगे तो ये रिव्यू के लिए चला जाएगा और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में आ जाएगा। अगर जो यहाँ पे आप क्लिक करोगे किसी भी आंसर के ऊपर, आपको लगता है कि मैंने यहाँ पे इस पे गलत कर दिया है, तो क्लियर रिस्पॉन्स के ऊपर क्लिक करोगे, सब में से टिक हट जाएगा और आप आगे बढ़ सकते हो, इसको छोड़ सकते हो। लेकिन हाँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप लोग सबको आप टिक आउट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से टिक आउट करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे मार्क कर देते हैं इसको, तो मार्क वाला यहाँ पे देखिए कि एक राइट सिंबल जैसा बन जाएगा, सही का निशान लगेगा। यहाँ पे आपको दिख भी रहा है कि यहाँ पे बता रहा है कि आपने इस आंसर को मार्क कर दिया है, जो आप इसको हो सकता है आगे देखोगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसी तरीके से आपके क्वेश्चंस होंगे, आप अलग अलग तरीके से सेव नेक्स्ट कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। आप अपने लैंग्वेज अपने हिसाब से बदल लेना, क्लियर।
अब इसको हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि और भी सारी चीज़ें हमको और दिखानी है। तो आप अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को अगर प्रैक्टिस करना है तो देख लीजिएगा। हम इसको यहाँ पे सबमिट करेंगे और इसको यस करेंगे, नेक्स्ट हम पार्ट पे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे आपका जो भी एक्चुअल जो होगा, आप कितने आंसर दिए हो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने क्या टच किया है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट ग्रुप के पास में बढ़ते हैं तो आपका टाइपिंग वाला सेक्शन आता है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है हूबहू इसी टाइप का इंटरफेस आपको ओपन होगा। यहाँ पे राइट साइड में देखिए कि आपका जो इंग्लिश का है तो इंग्लिश यहाँ पे लिखा रहेगा, की स्ट्रोक आपने क्या किया है, कितना काउंट किया है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे एकदम रियल टाइम में आपको प्रीव्यू होते रहेगा। कितना एरर हुआ है, कितना बैक स्पेस किया है, कितना टोटल वर्ड हुआ है, कितना आपने टाइप कर दिया है, पेंडिंग कितना वर्ड है, वो सारा चीज़ यहाँ पे दिखता हुआ रहेगा। ठीक है, कुछ लोगों का कहना है कि अगर हम टाइप कर देते हैं, सपोज ये ऑल लिखा हुआ है तो ए कैपिटल है, अगर हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो किसी का कहना है कि क्या हम उसे सुधार सकते हैं, तो बिल्कुल सुधार सकते हैं। जैसे कि मुझे फर्स्ट आप वर्ड के पास आना है तो वहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, आप यहाँ पे अपने पास यहाँ, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक आप वहाँ पे चेंज करोगे तो आपका जो पॉइंटर है वो ऑटोमेटिक आपका वहाँ पे चला जाएगा। ध्यान से देख लीजिएगा कि स्पेस वगैरह काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज होना चाहिए। और जैसे ही आप आखिरी वर्ड के पास आने के बाद जैसे ही स्पेस करोगे, ठीक है, तो वो सही हो जाएगा। मैंने इसको यहाँ पे सही नहीं किया, आप यहाँ पे आओगे और जैसे ही आप स्पेस दोगे तो वो देखिए मेरा सेंटेंस जो है वो क्लियर हो गया है। अगर आप टाइप कर लेते हो और आपका समय बच जाता है और लगता है कि ये मेरा एरर है, उसको सही कर लेना चाहिए, तो टाइम बचने के बाद में आप अपने एरर को अच्छे तरीके से एरो से या फिर आप अपने माउस पॉइंटर से उस वर्ड उस कैरेक्टर के पास जाना है और आसानी से चेंज करने के बाद में लास्ट जहाँ आपने एंड किया है वहाँ आने के बाद में एक स्पेस दे देना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम इसको करते हैं, यहाँ पे सेलिंग लिखा हुआ है, इसको स्मॉल में एस है, हम बड़ा कर देते हैं कैपिटल लेटर में और हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, हम चलो इसको हम बहुत आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, गड़बड़ हम दो कर दिए, तो उस तरह से हम चाहेंगे कि हम गलती करें और उसको सुधारें। ठीक है, तो ये देखिए हम आपके लिए एक कर ही देते हैं। अब मेरे पास में इतनी गलतियां हो गई है और हम थोड़ा सा आगे बढ़ भी गए हैं, ठीक है, अपना टाइपिंग करते करते, तो मुझे लगता है कि ये जितने भी एरर है उसको हमको सही कर लेना चाहिए, मेरे पास टाइम है अभी। तो हम क्या करेंगे कि सेलिंग वाले जो हमने जो मैंने टाइप किया है, अपने पैराग्राफ में जाइएगा और उस सेलिंग वाले को कम्प्लीटली यहाँ से डिलीट कर देना। ठीक है, और डिलीट करने के बाद में जैसा लिखा हुआ है, ठीक है, आप टाइप कर देना। ठीक है, स्पेस दोगे तो वहाँ पे भी सही हो जाएगा, लेकिन स्पेस आपको देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपको लास्ट में भी दे दीजिएगा तो सही हो जाएगा, हम एक इसको लास्ट में स्पेस देते हैं तो देखिए सही हो जाएगा। अब म्यूचुअल है तो म्यूचुअल में हम यहाँ पे सही कर देते हैं और हम अपने लास्ट जितने भी जो हम सेंटेंस के वहाँ पर जैसे ही आएंगे वो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। अब रिक्वायर है तो उसको भी सही करना है, हम यहाँ पर आएंगे और इसको पूरा हम कट कर देंगे। ठीक है, ये देखिए आर ई क्यू यू आई आर ई डी। ठीक है, हम जैसे ही सही किए, हम जैसे ही अपने आखिरी पड़ाव पे आएंगे और स्पेस देंगे तो मेरा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप उसको सही कर सकते हो। तो ये हुआ इंग्लिश वाला, तो इस तरीके से आप लोग अपना हैंड्स ऑन कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में काफ़ी काम आए। देखिए यहाँ पे मैंने कर लिया है कितना की स्ट्रोक किया है, तो की स्ट्रोक 83 है, बैक स्पेस मैंने इतना किया है, टोटल वर्ड काउंट ये है, टाइप वर्ड ये है, यहाँ पे वो सारी चीज़ें एरर काउंट होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो एरर अपना ध्यान दे लीजिएगा। बैक स्पेस काउंट नहीं होगा, एसएससी का एग्ज़ाम नहीं है कि वहाँ पे आपको मतलब कि बैक स्पेस काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो वो ध्यान में रखना है, बैक स्पेस कहाँ काउंट होता है कि लिख देगा कि इतना बैक स्पेस मतलब काम ही नहीं करेगा, तो वहाँ पे आप तो बैक स्पेस कर ही नहीं सकते हो, तो ये चीज़ ध्यान मैंने देना है आपका। ठीक है, देख लीजिएगा बैक स्पेस काउंट मतलब वहाँ पे काम करेगा, ऐसा नहीं कि काम नहीं करेगा। अब इसको हम स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट ग्रुप के पास में आपका देख लीजिए फाइनल आपका आ गया, मतलब कि टाइपिंग टेस्ट वो डेमो था और ये फाइनल आ गया। तो फाइनल में भी आप कर सकते हो सेम चीज़ें जो मैंने बता दिया, एक बार डेमो करके अपना देख लीजिएगा, जो भी डेमो है अपना देख लीजिएगा। और डेमो में भी हम लोग सही और गलत करके देख लिए थे, इसमें भी होगा, हम इसको चलिए हम गलत कर देते हैं और एक हम सही कर लेते हैं। यहाँ पे हम आते हैं और डबल ई हो गया है, इसको ई को हटा देते हैं, ये देखिए मेरा सही हो गया। ठीक है, तो सेम चीज़ें वही होने वाला है, तो आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। इसको भी हम सबमिट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हिंदी वाले के पास में, तो रेमिंगटन गिल का लेआउट ये हुआ, सेम चीज़ें वही होगी, आपको सही करना है।
तो यहाँ पे आपको अपने सिस्टम पे क्या है कि रेमिंगटन के लेआउट का सबसे पहले आपको एक छोटा सा सॉफ्टवेयर आता है फ्री में, उसको डाउनलोड करिएगा तब ये टाइप होगा। अगर हम यहाँ पे कुछ टाइप करेंगे तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी उसको टाइप नहीं किया है, ठीक है। ऐसे आप अगर इंडिक टूल का इस्तेमाल करते हैं तो आप कर सकते हो टाइप, ठीक है। ये देखिए मैं कर रहा हूँ, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पे जो भी गलत होता है, ये देखिए ये इंडिक टूल है, इसका प्रयोग नहीं करिएगा, हम बस डेमो दिखाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग उसको हैंड्स ऑन कर सकते हो, इसमें भी सुधार सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो ये डेमो इस तरह से दिखेगा आपको, हिंदी मैंने एक्चुअल टाइपिंग आने से पहले थोड़ा सा डेमो मिलेगा, उसके बाद में एक्चुअल टाइपिंग आएगा। तो इसको हम जैसे ही सबमिट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो उसके बाद में आपका जो एक्चुअल टाइपिंग है जो 10 मिनट का होगा वो आपके सामने यहाँ खुल जाएगा। तो इसमें गलती नहीं करना है, गलती कम करना है, टाइपिंग अच्छे तरीके से करना है, फोकस होकर करना है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, तो इसको प्रैक्टिस करिएगा। और एक डिटेल वीडियो हम लेकर के आएंगे कृति देव वर्सेस मंगल फॉन्ट में, तो उसके लिए आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप लोगों ने देख लिया कि किस तरह से आपको वहाँ पे जाना है, और जाने के बाद में आपको कम्प्लीटली आप अच्छे तरीके से वहाँ पे आप कंफर्टेबल हो पाओगे, किस तरीके से आपका CBT का मॉक टेस्ट होगा, कैसे टाइपिंग होगा, कैसे इंग्लिश का टाइपिंग होगा, और वो सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। तो चलिए, बार बार आप वहाँ पर जा करके प्रैक्टिस कर सकते हो, जितने भी कोचिंग सेंटर में जाते हो, ठीक है, आप वहाँ पर जा करके आप पढ़ाई कर सकते हो। एक चीज़ और हम बता देते हैं कि अभी वैलेंटाइन डे का वीक चल रहा है, जितने भी लोग बदमाशी कर रहे हो तो दांत तोड़ देंगे हम, जा करके पढ़ाई करो, क्योंकि करियर आपके पास में है, अपॉर्चुनिटी है, तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। लाइफ में आपके पास में गांधी जी रहेंगे जेब में, तो हजारों लाखों लोग आपके लिए लाइन लगाकर खड़े रहेंगे, बार बार मौका आपका इंतज़ार नहीं करेगी, हो सकता है कि आपको किसी दिन उसका इंतज़ार करना पड़ जाए, ठीक है। कहा जाता है कि लोग जब भूखे पेट होते हैं तो आप बाहर जाओगे तो कोई पूछने वाला नहीं मिलता है, लेकिन वही अगर घर से खा कर निकलोगे तो हजारों लोग आपको खाने के लिए पूछते हैं। सो कैरियर फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए, बाद में ये सब चीज़ चलती रहेगी, ठीक है। सो ये इन सभी कामों के ऊपर टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला सवाल हम बता देते हैं आपको कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम आपको इसका सवाल का आंसर देने से पहले हम आपको ये क्लियर करना चाहेंगे कि बिल्टॉन कभी भी बहाली निकालती है तो एप्रोक्स कभी भी उनके पास में सीट कितने पद के ऊपर वो वैकेंसी निकालती है उसका कोई कंफर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। वो मैक्सिमम जितने भी वो उनके पास में रिक्विजिशंस आते हैं, डिपार्टमेंट जितने भी बिहार के हैं उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है कि ओवरऑल जितने भी कैंडिडेट हैं उसको फाइनली सिलेक्ट करता है, और अपने पास में इन पैनल करने के बाद काफ़ी एक लंबा लिस्ट बना लेता है हजारों की संख्या में। वो संख्या चाहे 5,000, 7,000, 10,000 के आसपास में भी हो सकती है, एप्रोक्स कहना सही नहीं है, ठीक है। तो आप इन पैनल हो जाओ, बाद में आपको देखा जाएगा कब आपकी ज्वाइनिंग होगी। ज्वाइनिंग थोड़ा सा डिले हो सकता है, क्योंकि पिछले अगर प्रीवियस एनालिसिस की हम बात करें तो ज्वाइनिंग थोड़ा सा लेट होता है, 1 साल 2 साल 3 साल। इस बार क्या होगा कैसे होगा ये किसी को नहीं पता है, जैसे ही कुछ जानकारी मिलती है तो हम आप अपने चैनल के माध्यम से आपको बता देंगे, तो उसके लिए घबराना नहीं है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सिंपली आपको क्या करना होगा कि 60 नंबर MCQ होगा, उसमें से 50% लाना होगा, मतलब कि 30 मार्क्स लाना होगा, ठीक है। उसके बाद जितना आप मैक्सिमम लेकर के आओगे वो आपके मेरिट बनाने में काफ़ी मदद करेगा। उसके बाद सेकेंड आपका जिस दिन CBT होगा, मैंने प्रीवियस वीडियो में इस बात को कह दिया है कि जिस दिन आपका CBT होगा उसी दिन आपका स्किल टेस्ट होने वाला है, मतलब कि टाइपिंग टेस्ट भी उसी दिन परफॉर्म करना पड़ेगा आपको, उसके लिए स्पेशल किसी भी डेट का अनाउंसमेंट नहीं होने वाला है। तो अब यहाँ पे बचा टाइपिंग का, अगर आप CBT आप दे देते हो तो टाइपिंग आपका आएगा। टाइपिंग में आपको दोनों में से किसी एक में क्वालिफाई होना है, लेकिन यहाँ पे जब नोटिफिकेशन में यहाँ पे आपको देखोगे तो वहाँ पे क्या है कि साफ शब्दों में कहा गया है कि आपका जो है हिंदी टाइपिंग के आधार पे ही आपका मेरिट लिस्ट का वरीयता होगा, ठीक है। मतलब कि आप CBT में जितना मैक्सिमम स्कोर करोगे प्लस में आप हिंदी में कितना स्कोर किए हो, दोनों को सबसे पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। सपोज मान के चलो कि कोई कैंडिडेट है कि आप CBT में उन्होंने 40 मार्क्स अचीव किया, ठीक है, और उनका हिंदी टाइपिंग काफ़ी अच्छा रहा, वो 45 का रहा, तो 40 CBT का और 40 हिंदी मार्क्स। अगर इससे ऊपर अगर कोई करता है
तो उसको फर्स्ट में रखा जाएगा, अगर नहीं तो वो कैंडिडेट फर्स्ट में होगा, उसके बाद में हिंदी टाइपिंग वाले को उसके डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा जाएगा, समझ रहे हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब यहाँ पे जितने लोग देख रहे हों उनके दिमाग में एक कन्फ्यूजन और आ गया होगा कि अगर वो इंग्लिश में फेल हो जाते हैं तब क्या होगा, तो सॉरी हिंदी में फेल हो जाते हैं तो क्या होगा, क्योंकि अगर जिनका हिंदी नहीं होगा तो इंग्लिश में, तो ऐसा नहीं है, सीबीटी में पास हैं और इंग्लिश में भी पास हैं, तो आपका जो वरीयता जो होगा, ठीक है, जो हम लोग अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहे हैं और जो नोटिफिकेशन के हिसाब से कह रहा है उसके हिसाब से, कि आपका जो सीबीटी पास करेंगे और इंग्लिश में पास होगा तो वो हिंदी के बाद ही उसका मेरिट लिस्ट आने वाला है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश में पास हैं और आपका सीबीटी में नंबर अच्छा है तो उसको ऊपर रखा जाएगा, नहीं, हिंदी वाले को ही ऊपर रखा जाएगा, उसके बाद इंग्लिश वाले का नंबर आएगा, ठीक है, क्योंकि हिंदी को फर्स्ट प्राथमिकता दिया गया है कि हिंदी टाइपिंग के अनुसार ही उनका मेरिट बनेगा, ठीक है। अब ये दिमाग में निकाल लीजिए, मतलब कि हिंदी अगर आपको वरीयता लिस्ट में ऊपर आना हो तो डेफिनेटली आपको हिंदी टाइपिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करना होगा, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन, मेरिट तो हम बता दिए कैसे बनेगा, फर्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस और मेरिट कैसे बनेगा, दोनों क्वेश्चन को मैंने कवर कर लिया। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं कि हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग क्या जरूरी है, दोनों में से एक चलेगा, नहीं, आपको दोनों कंसीडर करना होगा, इसलिए क्योंकि इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगा हुआ है, ठीक है, इसलिए आपको हिंदी भी करना है और इंग्लिश भी करना है, क्योंकि हो सकता है कि आप किसी एक में पास हो जाएं, ठीक है, मेरिट लिस्ट में हो सकता है कि आप ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो आपको दोनों पे ध्यान देना होगा। उसके बाद क्वालिफिकेशन, हायर क्वालिफिकेशन वाले लोग हमसे सवाल कर रहे थे, बीटेक वाले, एमटेक वाले, ठीक है, यहाँ पे बीएससीआईटी, एमसीए, एमएससीआईटी, इस तरह के लोग सवाल कर रहे थे कि क्या एलिजिबल हो पाएंगे। और एक चीज़ और, अदर स्टेट वाले क्या अप्लाई कर सकते हैं, तो डेफिनेटली अदर स्टेट वाले जनरल में आप कंसिडर किए जाओगे, अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और जितने भी हायर क्वालिफिकेशन जिनका है तो उन्होंने वेल्ट्रॉन के नोटिफिकेशन में, डीओ के नोटिफिकेशन में साफ कह दिया है कि आपका 10+2 होना चाहिए और मिनिमम न्यूनतम एक साल का आपके पास में कंप्यूटर का प्रशिक्षण का ज्ञान होना चाहिए, तो मिनिमम कह दिया है, इसका मतलब मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, आप ऊपर जा सकते हो, ठीक है। उनको तो बेहतर होगा ना कि उनके पास में हायर क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट वहां पे मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन, लास्ट एंड लिस्ट, सबसे लास्ट है कि एग्जाम कब होगा। तो देखिए पिछली बार 2019-16 उसके पहले की हम बात करें तो पहले क्या होता था कि थोड़ा सा रूल एंड रेगुलेशन थोड़ा सा अलग अलग था, 2019 में थोड़ा सा कोविड की वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे डेट हो गया था, लेकिन हाँ इस बार घबराना नहीं है, इस बार क्या है कि हो सकता है कि बहुत कम समय में भी आपका एग्ज़ाम ले लिया जा सकता है, तो इलेक्शन की वजह से हो सकता है कि डेट आगे पीछे हो, लेकिन आप लोग मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ये रखिए कि 6 महीने के आसपास में आप अपना टारगेट रखिए कि हम 6 महीने में अपना जो है वो जितना स्किल है वो डेवलप कर ले हम, ठीक है। उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो वो आपके लिए मतलब पॉजिटिव है, प्लस पॉइंट का काम करेगा, अगर उससे कम हो जाता है तो आपके लिए प्रेशर और बढ़ेगा, काम आपको और करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो इलेक्शंस आने वाले हैं उसको लेकर के थोड़ा सा डिले हो सकता है, मे बी अगर जो भी डिले होगा वो नोटिफिकेशन के थ्रू आपको बता दिया जाएगा। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें मैंने आपको कवर कर दिया है, और प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, जो लोग चाहते हैं कि आप एक बेहतर प्रिपरेशन करें तो हमसे स्पेक कर रहे थे, हम तो कह दिए हैं कि आपको हम क्लास देने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा हमारे पास में एक इशू आ रहा है डिजिटल बोर्ड का, वो अभी बजट नहीं है कि हम लोग डिजिटल बोर्ड परचेज कर पाएँ। जो लोग सहयोग करना चाहते हो, सपोर्ट करना चाहते हो, तो उनके लिए बिल्कुल कंटेंट हम फ्री देने वाले हैं, कहीं से कोई पेड वगैरह नहीं रहेगा, हमारा क्लास बिल्कुल फ्री चलने वाला है। तो चाहते को अपने क्लास को एक स्टेप, एक लेवल हम और ऊंचा करें, तो आप लोग सहयोग करिए ताकि हम वो डिजिटल बोर्ड परचेज कर पाएँ, और ये छोटा सा कंट्रीब्यूशन आप लोग के लिए भी होगा। जो प्रीमियम कंटेंट हम देंगे, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आप परचेज करोगे, उसको हम अब पब्लिकली फ्री हम कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम अपने चैनल्स की मदद से काफ़ी लोगों को हम फ्री में बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, तो आपका छोटा सा अगर कंट्रीब्यूशन होगा तो एक डिजिटल बोर्ड की हेल्प से हम चीज़ों को और अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे आप लोगों के।
साथ में, जो हम अभी फिलहाल नहीं कर पा रहे हैं। अभी सिर्फ एक ग्राफिक टैबलेट और अपने पीसी की मदद से वो सारी चीज़ें आपको देते हैं। अगर वो चीज़ें अगर आ जाती हैं हम लोगों के पास में, तो जितने भी प्रीमियम कोर्सेस हैं वो सबको हम फ्री में करने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोग चाहते हो कि वो सारी चीज़ें हो, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा पेमेंट मेथड का, आप लोग वहाँ पर जा करके जितना हो सके डोनेट करिए, ताकि आपको आपके लिए बेहतर हो सके। वो हमारे काम की तो है नहीं, सब आपके लिए ही है, तो आप चाहेंगे तो वो सब पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, तो आई थिंक सारी चीज़ों को मैंने समझा दिया है। जो भी आपका सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में आपके एक और नए सवाल के साथ में और एक नए अध्याय के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।